नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सारा देश जुड़ेगा, सारा देश आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा, तभी देश का बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी से थोड़ी चिपके हैं हम लोग तो देश से चिपके हैं। देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आम आदमी पार्टी तो जरिया है, आम आदमी पार्टी तो व्हीकल है, उसके जरिए अपने को देश बदलना है। तो अगले 2 साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों जी। इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। इस कार्यकारिणी की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजकल देश का किसान बहुत दुखी है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नए किसान बिल से किसानों की खेती छीनकर पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। 26 जनवरी को हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि किसानों का साथ देने के लिए झंडा, डंडा, टोपी, इन सबको घर पर छोड़कर जाए, एक आम नागरिक बनकर किसानों का समर्थन करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजकल हमारे देश का किसान बहुत दुखी है। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया है। कभी कहते थे किसानों का लोन माफ करेंगे, लेकिन किसी ने भी कर्ज माफ नहीं किया। किसानों के बच्चों को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन नौकरी नहीं थी। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी। किसानों पर फर्जी केस पर केस लगाए जा रहे हैं। जो भी पार्टी इसके लिए असल में जिम्मेदार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हो गए हैं। वो मुद्दे आज भी बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।